हमारे साथ योग गुरु बाबा रामदेव जी हैं जो बीमारियों के खिलाफ एक जंग छेड़े हुए हैं। आज मुरादाबाद में इन्होंने उद्घाटन किया है एक नए सेंटर का, जिससे बीमारियां दूर होंगी और कोरोना की जो बीमारी है उसके खिलाफ भी बाबा लड़ाई लड़ रहे हैं अपना आयुर्वेद के जरिए। बाबा ये बताइए, आज ये भी है कि अब पतंजलि वेलनेस सेंटर्स की एक बहुत बड़ी श्रृंखला, जिसका लक्ष्य है प्रथम चरण में 1000 सेंटर खोलने की, तो पतंजलि वेलनेस सेंटर्स हरिद्वार के बाहर अब खोलेंगे, जहां योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, करीब 100 थेरेपियों के साथ हम 1000 से ज़्यादा बड़े सेंटर्स खोलने जा रहे हैं। क्योंकि एबीपी और एबीपी का जो पूरा नेटवर्क है वो सबसे पहले अपडेट कर रखता है अपने सारे दर्शकों को, तो ये मैं पहली ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि हरिद्वार के बाहर ये पहला पतंजलि वेलनेस सेंटर का बहुत बड़ा केंद्र होगा। देखिए, बाबा ने बताया कि 1000 सेंटर देश भर में खोलने जा रहे हैं और पहला सेंटर मुरादाबाद में खुल रहा है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। बाबा ये बताइए, कोरोना वैक्सीन प्रधानमंत्री जी ने लगवा ली है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी एकमात्र राष्ट्राध्यक्ष ही नहीं है, वह मात्र एक पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक राष्ट्र पुरुष है। हमने उनको एक राष्ट्र ऋषि तक का भी सम्मान दिया सब हरिद्वार के साधु संतों ने मिल करके, और वो हर काम को एक आदर्श के रूप में करते हैं। वैक्सीन के ऊपर बहुत लोगों ने प्रश्न उठाए, अब कोरोना गया नहीं है, अभी कोरोना का संक्रमण अलग अलग देशों में यूके से लेकर के यूरोप के बहुत से देशों की अभी हालत ख़राब है। जब हमारे पास में 500 रोगी थे तब पूरे देश में क्या तबाही मचाई है कोरोना ने, और अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क में 5 लाख लोगों की मौत हो गई है, और ऐसे में मोदी जी ने उसको सब प्रकार से लॉकडाउन से लेकर के जो भी उसके लिए प्रिकॉशन लेने थे सब लिए। और अब वैक्सीनेशन की बात आई तो बहुत लोगों ने कहा कि वैक्सीन में तो सुअर का मांस है, गाय का खून है, और उसके उसकी एफिकेसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए। मोदी जी ने पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन अपने आप लगवा करके उन सब लोगों को अपने कर्म से, अपने कृतित्व से, अपने व्यक्तित्व से जवाब दे दिया कि वैक्सीनेशन पूरी तरह से सेफ है। हाँ, ये जरूर है कि जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर है उनको थोड़ा प्राणायाम कर लेना चाहिए। मोदी जी रोज़ प्राणायाम योगाभ्यास करते हैं, वो गिलोय से लेकर के तमाम आयुर्वेदिक औषधियों के प्रति काढ़ा आदि खुद उन्होंने देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद खुद इस्तेमाल किया और सबको प्रेरित किया कि योग करें, प्राणायाम करें, काढ़े भी पिए, और अब वैक्सीन की ज़रूरत है, वैक्सीन भी लगवाएं। इसके लोगों को मैसेज देने के लिए क्या आप भी वैक्सीन लगवाएंगे, हालांकि आप तो खुद ही दवाई बना रहे हैं आयुर्वेद ने? देखो, पहली बात तो यह है कि जो है जो मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल है, दूसरे उम्रदराज लोग हैं, बच्चे, मैंने अपना अंतिम सूची में नाम लिखवाया हुआ है, तो कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं वैक्सीन का विरोधी नहीं हूँ, अभी मुझे वैक्सीन की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेरी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रोंग है, तो पहले उनको अवसर मिलना चाहिए जिनको ज़्यादा जरूरत है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि कांग्रेस में फूट पड़ी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश की आज़ादी के आंदोलन से लेकर के उसके बाद तक कांग्रेस एक बहुत राजनीतिक पार्टी रही है, और उसका इस तरह से ध्वस्त होना, फूट पड़ना, अंतर्विरोध होना, यह राजनीतिक दृष्टि से तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ही, यह भारत के लोकतांत्रिक ताना बाने के लिए भी बड़ा खतरनाक है। जब तक कोई सबल विपक्ष नहीं होता है तो कोई भी लोकतंत्र ठीक से नहीं चल सकता। तो अभी आज़ाद को लेकर के कांग्रेस में कई नेता विरोध के सुर ऊँचे कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? पार्टी कमज़ोर हो गई है, फूट पड़ गई है पार्टी में? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद जी से लेकर के मैं कांग्रेस के सैकड़ों लोगों को जानता हूँ, हुड्डा जी से लेकर के, शर्मा जी से लेकर के, अहमद पटेल साहब जो नहीं रहे उनसे लेकर के, कितने मुख्यमंत्रियों, कितने मिनिस्टरों को मैं व्यक्तिगत तौर पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के सभी लोगों के साथ में और उनके व्यक्तित्व से अवगत हूँ। कांग्रेस में आज भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बशर्ते ये लोग अपना घर ठीक से संभाल लें। तो मुझे लगता है देश की राजनीतिक सेहत के लिए और एक लोकतांत्रिक जो हमारी प्रणाली है उस संवैधानिक प्रणाली के ठीक से संपन्नता के लिए भी कांग्रेस एकजुट रहेगी तो मुझे तो खुशी होगी। बाबा रामदेव मतलब ये कांग्रेसियों को कहना चाहते हैं कि वो मिलजुल के रहें, आपस में लड़े नहीं, और एक बार पतंजलि में आ जाएं, सबको योग करा दूंगा, सबके अंतर्द्वंद्व मिटा दूंगा।
देखिए, ये बाबा रामदेव हैं जो खुलकर कह रहे हैं कि कांग्रेसियों को आपस में लड़ना नहीं चाहिए, मिलकर रहना चाहिए, ताकि एक मजबूत विपक्ष जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये जो फूट है ये देश के लिए अच्छी नहीं है। वैदुर रहमान, एबीपी गंगा, मुरादाबाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।